देखिए 30 अगस्त 2009 के बाद जब पाकिस्तान ने एक नई चाल चली थी, गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा डिक्लेयर करने के लिए, और ये चाइना की चाल थी, आज उसके बाद एक नई मूव है जो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारी डोगरा सदर सभा के यूनिट हैं, चाहे किसी भी कंट्री में हैं, उन और पीओजे के लोग वो सारे दिन रात हमें वीडियो भेज रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर ने ड्राफ्ट तैयार करके 14वीं अमेंडमेंट पीओजे के इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए मसौदा तैयार कर लिया। उस अमेंडमेंट के तहत वो जब पाकिस्तान ने एक नई चाल चली थी गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा पाकिस्तान का बनाने के लिए, उसके बाद आज पूरी वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हमारे डोगरा रहते हैं उनकी तरफ से मैसेज आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं कि नई चाल पाकिस्तान चल रहा है कि पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर ने एक 14वीं अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान ने इलीगली अपने कब्जे में रखा है उसके इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसके तहत 6 मेंबरी कश्मीर काउंसिल का रिवाइवल कर रहे हैं और वो डायरेक्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के अंडर होगी और सारी पावर्स वहाँ की गवर्नमेंट की जो है वो स्नैच कर रहे हैं और उनकी उनके पास कोई पावर्स कोई कानून बनाने के लिए होगी। और इसलिए आज हम वो डोगरा सदर सभा जिन बुजुर्गों ने ये पूरी रियासत बनाई थी, हमें तकलीफ हुई है, हम गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि आप अपनी गवर्नमेंट से कि आपने 1994 में एक रेजोल्यूशन पास करके ये कहा था कि जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के नजायज कब्जे में है वो हमारा है, हम उसे वापस लेंगे, हम अपील करते हैं कि उसे इमीडिएटली वापस लीजिए। और आज की डेट में ये हुर्रियत वाले या जो अगौवादी हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपने देख लिया जो आप आज़ादी की मूवमेंट चला रहे थे, देख लिया पाकिस्तान का असली चेहरा, आज वो उस पीओके को कोई आज़ादी नहीं, उसको अपने साथ लड़ना चाह रहा है, इकट्ठे होकर हम लड़ें और वापस पाकिस्तान से अपना हिस्सा लें और जम्मू कश्मीर ताकि इकट्ठा फूले फले। यहाँ हमने असेंबली के अंदर उनकी नशिस्तें रखी हैं, वो पूर्व हूँ और हम इकट्ठे चलें।